नमस्कार, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। सोमवार की शाम को आईपीएल की दो नई टीम गुजरात टाइटंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच जबरदस्त मैच देखने को मिला, जहां गुजरात टाइटंस ने अंतिम ओवर में रोमांचक तरीके से मैच अपने नाम किया, जिसमें मोहम्मद शमी और राहुल तेवतिया मैच के हीरो रहे। इसी के साथ गुजरात टाइटंस ने अपने आईपीएल की सफर की शुरुआत जीत के साथ की है, लेकिन इस मैच में युवा खिलाड़ी शुभमन गिल द्वारा पहली पारी के दौरान एक शानदार कैच देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया। पहली पारी के दौरान वरुण एरोन की गेंद पर गिल ने पीछे की ओर भागते हुए डाइव लगाकर एविन लुइस का कैच लपका। उनके कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है। लोगों द्वारा उनके कैच को सुपरमैन कैच भी कहा जा रहा है, लेकिन अब उनके इस कैच को लगातार कपिल देव के कैच से भी जोड़कर देखा जा रहा है, जहां कपिल देव ने 1983 विश्व कप के फाइनल में पीछे की ओर भागते हुए विव रिचर्ड्स का कैच पकड़ा था। शुभमन गिल ने भी ऐसे ही भागते हुए डाइव लगाकर इस कैच को अंजाम दिया। उनके इस कैच को मैच में कमेंट्री कर रहे मिस्टर आईपीएल सुरेश रैना ने सबसे पहले कपिल देव के कैच से तुलना की थी। हालांकि अगर मैच की बात करें तो 8 करोड़ से ज्यादा में खरीदे जाने वाले शुभमन गिल सोमवार को हुए मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए और 159 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरे शुभमन गिल तीसरी ही गेंद पर बिना खाता खोले अपना विकेट गवा बैठे। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।